धार जिले के पीथमपुर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो कुल मामले लगभग 25 हो चुके हैं। वहीं संक्रमित मरीजों में से 6 मामले एक्टिव हैं, बाकी सभी ठीक होकर अपने घर को पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 2 संक्रमितों की मौत भी बताई गई है। हालांकि अभी कोरोना महामारी कम नहीं हुई है, एक नई मुसीबत ने शहर में दस्तक दे दी है। जानकारी के अनुसार शहर में एक साथ 5 डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमला पीथमपुर में डेंगू की स्थिति जानने पहुंचा। रविवार दोपहर CMHO डॉक्टर RP कनिका, BMO चमनदीप अरोरा सहित स्थानीय स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने पीथमपुर के मनमानी कॉलोनी में जाकर मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही डॉक्टर पानिका ने बताया कि डेंगू की खबर लगते ही बिना देरी करे मैं यहां खुद देखने आया हूं। सभी से अपील है कि स्वच्छता का ख्याल रखें और कोरोना में एहतियात संबंधी सभी नियम जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन का पालन करना है, इसका ध्यान रखें। पीथमपुर से संजय जसवाल की रिपोर्ट। सर, आज जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला जिला प्रशासन यहाँ पर आया था, तो किस तरह से क्या गतिविधियाँ थी? जैसे कि आपको CMHO साहब ने बताया कि हम लोगों के यहाँ पे पेपर में एक खबर संचालित हुई थी जिसमें ये लिखा था, प्रकाशित हुई थी कि यहाँ पे 100 केस डेंगू के मिले हैं और 5 मौतें हो गई है। आज CMHO सर द्वारा और पूरी टीम द्वारा यहाँ पे दिखवाया गया है। हम लोगों ने एक्टिव सर्वे करवा रहे हैं, यहाँ पे फीवर डेंगू का सर्वे करा रहे हैं। और इसके अलावा जो मौतें का बोल रहे हैं, मौतें तो नहीं हुई है, बाकी फिर भी डेंगू के केसेस निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। अब यहाँ पे सर्वे कराएंगे और बाकी हॉस्पिटल्स, जिन हॉस्पिटल ने बताया कि हम लोगों के यहाँ पे डेंगू के केसेस हैं, हम उनसे भी पूरा डाटा ले रहे हैं। बताइए सर, आज आपका पीथमपुर में दौरा था सर, तो किस विषय पर गया था? आज एक न्यूज़ छपी थी कि 100 लोग यहाँ जिनको के डेंगू का से पीड़ित है और 4-5 मृत्यु हो गई है। तो जैसे मैंने पेपर न्यूज़ पढ़ा तो इमीडिएटली मैंने पूरी टीम को रवाना किया। मैं स्वयं आया देखने के लिए, कहीं वास्तव में ये घटना तो नहीं हो गई है, ऐसा कुछ है तो नहीं कि यहाँ पे सारी डेंगू फैल गया है जी। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि इसमें केस नहीं फैले हैं, फिर भी डेंगू केसेस निकल रहे हैं। और उसी के लिए हम लोग, हमारी पूरी टीम यहाँ पे 7 दिन तक कंटिन्यूस काम करेगी और वो सारे लार्वा सर्वे करेंगे, सभी मच्छरों को मारने का काम करेंगे, फॉगिंग करवाई जाएगी और घर घर फीवर रैपिड फीवर सर्वे होगा। इसके लिए हमारी टीम यहाँ आ गई है, काम कर रही है, उसी के लिए मैं मॉनिटर करने के लिए आया। इसके अलावा सर, जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी क्या एहतियात बरता जा रहा है? कोरोना के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर, ये लोगों को, पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि अनावश्यक बाजार में, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएँ, जरूरी हो कहीं जाएँ और मास्क लगाएँ और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज़रूरत पड़ने पर जहाँ कहीं भी, अगर वो कहीं हाथ किसी ऐसी चीज़ों से चला जाता है जिसके लिए इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो हैं हाँ हैंड सैनिटाइजर, हाथ को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पब्लिक को अवेयर करना है हमारा काम, हम लोग अवेयर कर रहे हैं, सारी टीम हमारी अवेयर कर रही है। पब्लिक को भी चाहिए कि अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाए। सर, इसी तरह कोरोना को लेकर के किस तरह से एहतियात बरता जा रहा है? कोरोना को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एहतियात बरत रहे हैं। पीथमपुर में तो हम रेगुलर सैंपलिंग करा रहे हैं, 100 से 125 सैंपलिंग हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग ऐसे ऐसे एरिया में से करा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि या तो भीड़भाड़ है या वहाँ पे आपस में लोग बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं, तो उन लोगों की सबकी सैंपलिंग करा रहे हैं। बाकी हम लोग लोगों को बार बार समझाते जा रहे हैं कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, अभी तक टोटल कितने केसेस हो गए हैं और कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने ठीक हो गए और क्या सैंपलिंग हुई है? पीथमपुर में टोटल 25 केस जो हमारी रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से निकले, बाकी कुछ केस सेंट्रल लैब इंदौर से अभी कल भी 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, तो हमने उन लोगों के हिसाब से ये टोटल मिला के 28 केस होते हैं। 28 में से 6 केस जो हैं अभी एक्टिव हैं, जो 3 इंदौर एडमिट है और 3 धार में एडमिट है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।